सो वेलकम बैक टू जेवियर। आज की लेटेस्ट अपडेट निकली है वर्क फ्रॉम होम, जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। और आज के अपडेट में जस्ट चैट प्रोसेस करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, परमानेंट जॉब होने वाली है, बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी के अंदर जॉब निकली है। सैलरी पैकेज आपका 3 to 5 लाख रुपीज़ पर एनम रहेगा, एग्जैक्टली डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि हु कैन अप्लाई, एग्जैक्टली कौन से कैंडिडेट इस जॉब की अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है, तो एवरी सिंगल कैंडिडेट वो इंडिया की किसी भी स्टेट, किसी भी विलेज से बिलोंग करता है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन यस अगर आपकी है आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 12th पास कैंडिडेट हो तो इट्स क्वाइट सिंपल, अगर आप किसी से चैट कर रहे हो, अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होने चाहिए। सेकेंडरी इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस, तो यस आफ्टर 12th पास यू कैन अप्लाई। तो मतलब 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तो डेफिनेटली आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपनी का नेम है डिटो। डिटो एक बेसिकली फिनटेक स्टार्टअप है, और ये जो स्टार्टअप है ये जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड आपका पॉलिसीज हो गया, आपका हेल्थ केयर इंश्योरेंस हो गया, इन पे काम करता है, इनको सेल आउट करता है। यहां पे आपने एक कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, जीरोधा, वन ऑफ फेवरेट कंपनी है मेरी जो यूनिकॉर्न बन चुकी है काफी टाइम पहले। तो यही कंपनी यहां पे इसको फंड करती है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि करियर की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आपके यहां पे होने वाली है। तो कंपनी बहुत ऑसम है, यहां पे ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब डिटेल डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या आपका स्किल सेट यहां पे होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहां पे निभानी है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, वीडियो को अगर लाइक नहीं करा तो वीडियो को यहां पे आप करिए लाइक, और इस चैनल पे डेली आपको मिलने वाली है एक लेटेस्ट जॉब की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ग्रैब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू JBR, मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूँ वर्क फ्रॉम होम चैट प्रोसेस अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली डिटो कंपनी के अंदर दो प्रोफाइल पे जॉब निकली है। फर्स्ट वन इज चैट प्रोसेस जो मैं आपको बता चुका हूँ, एंड द सेकंड वन इज डिजाइन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिजाइन एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी लोकेशन रिमोट है, एनीवन कैन अप्लाई, जो भी कहीं से भी बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, जो कि इन्होंने प्राइमरी पार्ट रखा है आपका, वर्बल एंड रिटन दोनों के यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जो सेकेंडरी पार्ट है डिजाइनिंग के लिए, आपको डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके अंदर आप फोटोशॉप को इंक्लूड कर सकते हो। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैनवा की अच्छी नॉलेज है, कैन आई अप्लाई? तो यस डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, पर आप एक चीज समझो, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपको 25,000 से 35,000 रुपए सैलरी मिल रही है, क्या वो सारे काम कैनवा पे पॉसिबल है? कैनवा इसे ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर, आप चीजें उठाइए वहां पे डाल दीजिए, पर जब बात आती है क्रिएट करने की वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि फोटोशॉप वाले को यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, और उसके सिलेक्शन के चांसेस कंपेयर टू कैनवा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। जो रियलिटी आपको डायरेक्टली बताई जाती है यहाँ पे, क्योंकि इस चैनल का मतलब सिर्फ जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देना कभी नहीं हुआ, आपको जॉब मिले, डेट्स वाई वी आर द प्रोवाइड डिटेल डिस्कशन, और हम एग्जैक्टली स्किल सेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आई होप सो आपको स्किल सेट तो क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेजरली कंपनी इंश्योरेंस को सेल आउट करती है, जो हेल्थ केयर प्लान होते हैं उनको सेल आउट करती है। तो वहाँ पे जो भी टैक्स आपको मिलता है उस टैक्स के अकॉर्डिंग आप डिजाइनिंग बनाते हो, इन्फोग्राफिक आप क्रिएट करते हो, और जितना अच्छा इन्फोग्राफिक आप क्रिएट करोगे, जितनी अच्छी आप डिजाइनिंग करोगे, उतनी चीजें यहाँ पे सेल्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट यही है कि आपकी जो डिजाइनिंग क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, वो काफी अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। सो आई होप सो आपको सारा बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे प्रेफरेबल कैंडिडेट है, जिनको बहुत ईजी वे में यहाँ पे जॉब मिल सकती है। अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो दोनों ही जॉब का सेम होने वाला है, वो मैं वीडियो क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ कम टू द पार्ट सेकंड प्रोफाइल, जो कि आपका चैट प्रोसेस लिखा है। यस यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे ही चैट करनी है। आप जो आपकी प्रोफाइल होगी वो इंश्योरेंस एडवाइजर की होने वाली है। अभी टाइटल ना काफी सारी चीजें क्लियर कर देता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ड्राइव कर देता हूं एग्जैक्टली
क्या स्किल सेट आपके पास होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल। अब एक चीज आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश नहीं होती। कम्युनिकेशन स्किल होता है आप सामने वाले पर्सन से किस तरीके से बात करते हैं। अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो यस आपको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, हिंदी में बात कर रहा है तो आपको हिंदी में करनी आनी चाहिए, आपका डिलीवरी पार्ट अच्छा होना चाहिए, आपके सॉफ्ट स्किल अच्छे होने चाहिए, तो यस यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट। तो ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट होता है। काफी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, सर हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, कैन आई अप्लाई? तो मैं उनको यही रिवर्ट बैक देता हूं, यार आप समझो, अब यहां पे जो ये जॉब है ये डोमेस्टिक क्लाइंट के लिए होने वाली है, तो इंग्लिश ओके लेवल भी है तो भी आप अप्लाई कर दीजिए। पर वहीं पे कुछ जॉब होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं, तो वहां पे जो इंग्लिश है वो प्राइमरी लैंग्वेज बन जाती है। यहां पे भी हो सकती है पर सेकेंडरी भी हो सकती है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। अब देखो आप यहां पे इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले हो, कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंश्योरेंस बेचती है मतलब सेल्स करती है, तो आपको स्लाइटली नॉलेज होनी चाहिए सेल्स से रिलेटेड। बेसिकली आप यहां पे कस्टमर की जो भी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करोगे, और जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हो उसको सॉल्यूशन दे रहे हो, तो आप यहां पे क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन से पिच कर सकते हो जिससे कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो, और एग्जैक्टली आपका काम भी यही रहेगा। अभी सारी जो रियलिटी है ना मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, क्योंकि ये जो जॉब है मैंने दूसरे चैनल पे देखी और उस चैनल में जो इस वीडियो को डिराइव किया गया, इस तरीके से डिराइव किया गया कि एक 12th पास कैंडिडेट और सिंपल कैंडिडेट इस जॉब को इजीली ले सकता है। यार जॉब लेना सच में इतना इजी होता है? आपको लगता है? अगर आपको लगता है कि इतना ही इजी है तो आप मेरे पास आते, वीडियो को लास्ट तक देखते? नहीं देखते। इस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, जॉब इतनी है, अप्लाई करने वाले इतने हैं। अब इतने में आप कैसे फिट होंगे ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये कैसे फिट होंगे, इसके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपका रिज्यूम आता है, आपका स्किल सेट आता है, यहाँ पे आपका डिग्री का पार्ट भी आ जाता है, मेजरली मैं स्किल सेट को ही बोलूंगा। तो स्किल सेट आपका इंप्रूव हो सके इसलिए इस चैनल पे मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, करियर गाइडेंस विद एक्सपर्ट। बेसिकली यहाँ पे आपको वही लोग गाइड करेंगे जो उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। जनरली होता है क्या, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप एक डाटा एनालिटिक्स बनना चाहते हो, और वहीं पे कोई भी यूट्यूबर आ जाता है और आपको इंफॉर्मेशन देके चला जाता है। डू यू रियली थिंक सो एक यूट्यूबर को डाटा एनालिटिक्स बनना कैसे है, इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी? नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आपको गाइड नहीं कर पाते, कोई भी यूट्यूबर उसको किसी भी चीज़ की नॉलेज है वो गाइड करके आपको चला जाता है, तो वो जो एक्सपर्ट गाइडेंस होती है वो मिस हो जाती है। पर इस चैनल पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक्सपर्ट लोग ही आपको गाइड करेंगे जो उस इंडस्ट्री में एक लेवल को अचीव कर चुके हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नेक्स्ट मंथ से सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। नाउ बैक टू द कंटेंट। तो अभी मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में बता दिया है कि क्या क्या आपका स्किल सेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है अगर आप इस जॉब को अप्लाई करते हैं। अब नाउ कम टू द पार्ट हाउ टू अप्लाई। इट्स क्वाइट सिंपल, आपको अप्लाई करना है ओपीचली वेबसाइट पर। ओपीचली वेबसाइट का यूआरएल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंगल क्लिक करेंगे और इस टाइप की वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन रीड आउट करनी है, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। आप सबसे नीचे फुटर पार्ट पे जाओगे, अप्लाई पे प्रेस करोगे, जैसे आप यहाँ पे प्रेस करते हो आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपना रिज्यूम अपलोड करना है, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डिटो के एचआर पे चली जाएगी। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होता है उनके एंड से कॉल आएगी, उसके बाद आपके 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू होंगे और देन फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था पूरा डिटेल डिस्कशन की किस तरीके से जॉब अप्लाई करनी है, कौन कौन कैंडिडेट जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। टिल कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।